जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। 108 वरदानों की वो अद्भुत सीरीज लेकर जो आपको बताएगी आपकी जन्म कुंडली में परमपिता परमात्मा ने आपको क्या वरदान दिया है, क्या वरदान छुपा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, जिसे ज्ञात कर आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि आपको परमपिता परमात्मा ने इस जन्म में ये वरदान देकर भेजा है और उस वरदान के शुभ फल आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलने वाले हैं या क्या मिल रहे हैं, उन सभी चीजों को आप जान सकें। तो प्रिय भक्तगणों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए उस वरदान के बारे में जो परम पिता परमात्मा ने आपकी जन्म कुंडली में आपके पिछले जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप आपको इस जन्म में प्रदान किया है। वह वरदान है मंत्री पद हासिल करने का, एक सम्मानित सरकारी पोस्ट प्राप्त करने का, सरकार से विशेष सम्मान प्राप्त करने का। क्या है वो वरदान, कैसे मिलेगा वो वरदान आपकी जन्म कुंडली में, कैसे जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में परमपिता परमात्मा ने आपको इस जन्म के लिए इस वरदान से नवाजा है। और निश्चित रूप से वरदान ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ होगा आपको, आपने कई जन्मों तक शुभ कर्म किए होंगे, उन शुभ कर्मों के फलस्वरूप परमपिता परमात्मा ने प्रसन्न होकर आपकी जन्म कुंडली में इस जन्म में आपको यह वरदान देकर बख्शाया। इस जन्म के साथ आपको यह वरदान प्राप्त हुआ है, क्या है? कैसे जान सकते हैं आप जन्म मात्र अपनी जन्म कुंडली को देखकर कि परमपिता परमात्मा ने आपको कौन सा वरदान दिया है? इसके लिए आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें, 108 वरदानों की इस सीरीज को देखते रहें, जिसमें हम परमपिता परमात्मा द्वारा आपको दिए गए हर वरदान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप स्वतः ही अपनी जन्म कुंडली देखकर जान सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ने आपको किस शुभ फल के परिणाम स्वरूप इस जीवन में इस वरदान से नवाजा है। मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए इस वरदान की सीरीज पर। बहुत खोजबीन के बाद, बहुत अध्ययन के पश्चात मैं इन वरदानों को हजारों हजार कुंडलियों को देखने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निश्चित रूप से आपके शुभ कर्मों के जो फल होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं और एक ना एक दिन जब उस शुभ फल का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उन फलों की काउंटिंग यमराज के जो असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त जी लगातार आपके शुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक अदृश्य शक्ति लगातार आपके साथ चल रही है, लगातार आपका पीछा कर रही है और आपके हर शुभ, आपके हर अच्छे और बुरे कर्म को नोट करती जा रही है, जिनके फलस्वरूप किसी न किसी जन्म में जब इन शुभ फलों का यानी अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का घड़ा भर जाएगा तो निश्चित रूप से उसके फलस्वरूप भगवान श्री उस ग्रह से संबंधित देवता को सामने आकर आपको या तो वरदान देना होगा या आपके बुरे कर्मों का शाप आपको अवश्य देंगे। ध्यान रखिए, यह अटल सत्य है कि आपको हर अच्छे और बुरे कर्मों का फल या तो आपके जीवन में इसी जिंदगी के अंदर, और जिन कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का फल किसी न किसी वजह से आपको इस जिंदगी के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो वो आगे आने वाली मनुष्य योनि में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। उसी के फलस्वरूप हमारी जन्म कुंडली के ग्रह बैठे हुए होते हैं जो आपके हर कर्म के फलस्वरूप ये 9 ग्रह देवता अपने अपने फल प्रदान करते हैं।
कोई बीमारी के घर में जाके बैठता है, तो कोई मौत के घर में जाके बैठता है, कोई ऑपरेशन के खाने में जाके बैठता है, तो कोई कैंसर के खाने में जाके बैठकर आपको कैंसर की बीमारी देता है, तो कोई हार्ट के खाने में बैठ के आपका हार्ट अटैक कराता है, तो कोई आपको बलि बनाता है, कोई आपको राजा के समान जीवन प्रदान करता है, तो कोई आपको प्रधानमंत्री बना देता है, तो कोई राष्ट्रपति बनाता है, कोई मिनिस्टर बनाता है, कोई IAS ऑफिसर बनाता है, कोई DSP बनाता है, तो कोई SP बनवा देता है, कोई फुटपाथ पर खड़ा होकर भिखारी बना देता है, तो कोई जेल में पहुंचा देता है। ये क्या है? ये सब हमारे कर्म हैं, ये वो हमारे कर्म हैं, पुण्य अच्छे और बुरे कर्म हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय पर वो ग्रह इस स्थिति में बैठे होते हैं हमें दंडित करने के लिए या शुभ फल प्रदान करने के लिए, जिन्हें हमें भोगना ही भोगना होता है, जिनका फल हमें पिछली जिंदगी में नहीं मिल सका था। तो ध्यान रखिए अपने हर बुरे कर्म से पहले कि उसका दंड आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, चाहे आप इस जन्म में भुगते चाहे अगले जन्म में भुगते। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो इस जन्म में ऐसा कोई काम ही नहीं किया, परमपिता परमात्मा ने ये भगवान ये मुझे क्या परेशानी दे दी। मगर जब अच्छा फल देते हैं भगवान तो कोई नहीं कहता हे भगवान आपने मुझे क्यों राजा बना दिया, हे भगवान क्यों मुझे करोड़पति घर में पैदा कर दिया, हे भगवान आपने मुझे क्यों अंबानी का बेटा बना दिया, ऐसा कोई भी नहीं कहता। मगर ये अटल सत्य है, इस बात को आप हमेशा गांठ बांध कर रख लें कि आपके द्वारा किया गया हर कार्य, हर अच्छा कार्य और हर बुरा कार्य लगातार यमराज के असिस्टेंट चित्रगुप्त द्वारा नोट किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके आने वाले जीवन में या इसी जीवन में आपको शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निरंतर होती रहती है। अचानक से कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि भगवान आपके दुश्मन नहीं है, चित्रगुप्त जी या यमराज जी आपके दुश्मन नहीं है जो आपके सिर पर लगा हथौड़ा मार देंगे बिना वजह ही आपको जेल भेज देंगे, बिना वजह ही पुलिस वाला आके आपको डंडा मार देगा, बिना वजह ही आपका एनकाउंटर हो जाएगा। अरे ये सब आपके कर्म है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सम्मानित पद भी आप ही को प्राप्त होता है, समाज के गौरव भी आप ही बनते हैं, आप ही साइंटिस्ट बनते हैं, आप ही डॉक्टर बनते हैं, आप ही रेपिस्ट बनते हैं, आप ही डकैत बनते हैं, आप ही चोर बनते हैं, और आप ही समाज में प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त कर एक सम्मानित व्यक्ति बनते हैं। ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, ये विधि का विधान नहीं है, ये हमारे कर्मों का विधान है। हम भगवान की लीला नहीं है, लीला हम खुद यहाँ करते हैं और कर्मों का फल नवग्रह देवता प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए हर बुरा कर्म करने से पहले कहीं आपके हाथ से कोई ऐसा अनर्थ तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है जिसके लिए आपको इस जन्म में या अगले जन्म में दंडित होना पड़े, शाप से ग्रसित होना पड़े। करिए तो शुभ कल फल कर, शुभ कार्य करिए, जितने अधिक शुभ कार्य करेंगे तो निश्चित जानिए आप भी अगले जन्म में टाटा अंबानी डालमिया बिरला जैसे व्यक्ति बनकर या प्रधानमंत्री मंत्री या राज्य पद से सुशोभित होकर एक सम्मानित व्यक्ति बन देश का और समाज का नाम रोशन करेंगे। एक और आमंत्रण देना चाहता हूं, हमारे सिर पर इलेक्शन सब का भूत सवार हो चुका है, हम लोग अपनी और विश्व की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए संकल्पबद्ध होकर वोट डालने जा रहे हैं। क्या है आपके मन में, आप किसे वोट देंगे, मैं ये नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री आप होते तो वो पहली तीन चीजें क्या होती जो आप इस देश के लिए करते, जिससे इस देश का भला होता, इस राष्ट्र का भला होता, आप सब लोगों का भला होता। तो मैं वो तीन बातें आप बिना किसी झिझक के मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स करके बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप सबसे पहले वो तीन महत्वपूर्ण कार्य क्या करेंगे जिससे इस देश का भला हो सके, इस देश का विकास हो सके और हमारा ये सनातन हिंदू धर्म वाला ये राष्ट्र पूरे विश्व में एक गौरवमयी राष्ट्र के रूप में एक सितारे की भांति चमचमाता रहे। विश्वास दिलाता हूं आप जो भी मुझे कमेंट्स करके भेजेंगे मैं उनमें से चुनिंदा कमेंट्स को लेकर अपने प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा आप लोगों की आकांक्षाओं को, कि आप अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, जिसके लिए आप उन्हें वोट करते हैं। तो आप
इस विषय पर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार से मेरे इस 108 वरदानों की सीरीज के हर वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक आखिर तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चल सके, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर जान सकें या अपने परिवार या अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देखकर जान सकें कि उनको या आपको क्या क्या वरदान परम पिता परमात्मा ने देकर इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भेजा है। लेकिन इस चर्चा से पूर्व मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया, तो उस बेल के आइकन को दबाकर, जो कि आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको घर बैठे पता चलता रहेगा मैंने आप लोगों के लिए कौन सा नया वीडियो बनाकर आपके समक्ष भेजने की कोशिश की है। आपको वो जानकारी स्वतः ही घर बैठे आपके मोबाइल में आपको प्राप्त होती रहेगी। तो अगर आप बेल के इस आइकन को नहीं दबाएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा वरदान छुपा हुआ है। तो प्रिय भक्तगणों, अब और अधिक देर न करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने में या बेल के आइकन को दबाने में। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ना पढ़ने से या ना अच्छे नंबर लाने से, अपनी नौकरी में नौकरी मिलने से ना मिलने से या प्रमोशन ना होने से, शादी विलंब से होने से ना हो पाने से या शादी होकर तलाक की नौबत आने से, घर में कलेश रहने से, संतान का सुख विलंब से या ना प्राप्त होने के कारण, या व्यापार में घाटा होने के कारण, या अपने स्वयं का मकान या स्वयं का वाहन न होने के कारण, या स्वयं का व्यापार या स्वयं का ऑफिस नहीं होने के कारण, या किसी अन्य कारण से बीमारी कोर्ट कलिश वगैरह अन्य किसी कारण से किसी भी रूप में, या अपने प्रेमी को प्राप्त करने में असफल है, यानी उसके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे एक अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से हमसे संपर्क स्थापित कर सकता है। निश्चित रूप से हम इसके लिए छोटी सी फीस रखी हुई है जिसमें हम आपकी पूजा करते हैं, आपकी परेशानियों के अंगिस्त में जो भी परेशानी है उसके लिए बैठ के नित्य प्रति पूजा करते हैं, एवं आपको निशुल्क आपकी परेशानियों के उपाय बताते हैं। और इस जो फीस आप हमें उस बात के लिए पे करते हैं, वह फीस बहुत ही शुभ कार्यों में, यानी भगवान के प्रसाद वितरण में, जो हम लगातार हर शनिवार को हर मंगलवार को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर चलाते हैं, उस प्रसाद के वितरण में, एवं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो पिछले 10 सालों से हमने इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, जिसमें हम उन्हें मल्टीमीडिया का कोर्स कराते हैं और निशुल्क कराते हैं, और साथ में आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उस कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से कहीं भी कैसे भी परेशान है, तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे, गुरु मां रुक्मणी से या स्वामी राज ऋषि से अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल जान सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस चर्चा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं जन्म कुंडली में, अपने टीवे में, अपनी हॉरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं कि आपको परमपिता परमात्मा ने किस वरदान से नवाजा है, कैसे आप याद कर सकते हैं कि आपको सरकार से सम्मान मिलेगा आने वाले समय में, कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप परमपिता परमात्मा से इस जन्म में मंत्री पद या कोई प्रतिष्ठित
सरकारी पद अपने नसीब में अपनी किस्मत में लिखवा के लाए और उसी के फलस्वरूप आप अपने घर बार को चलाएंगे, आपकी आमदनी का सोर्स भी वही होगा। तो प्रिय भक्तगणों, जब हम इस वरदान की चर्चा करते हैं कि ऐसा कौन सा वरदान है जिससे आपको प्रतिष्ठित सरकारी पद प्राप्त हो सके, आप मिनिस्टर बन सकें, आप राज्य मंत्री बन सकें, आप कहीं बहुत बड़ी संस्था के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकें, और मौका लगा तो मौके पर छक्का मारते हुए आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे पद पर भी सुशोभित हो सकते हैं। तो क्या है ऐसा जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से इस जन्म में आपको प्राप्त होने जा रहा है? तो प्रिय भक्तगणों, जब आप अपनी जन्म कुंडली देखने बैठेंगे तो आपको देखना है कि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में कौन से घर में बैठे हुए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके सूर्य 11वें स्थान पर 11वें भाव में, यानी जन्म कुंडली के 11वें खाने में, 11वां हाउस बोलते हैं, 11वां भाव बोलते हैं, 11वां खाना बोलते हैं, और उसे आमदनी का भी खाना बोलते हैं, उस आमदनी के खाने में मजबूत होकर, बली होकर, यानी 15-16 डिग्री से लेकर 22-23 डिग्री के, यानी संपूर्ण बली होकर अपनी ही राशि में, यानी सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में, या अपने मित्रों की राशि में बली होकर अगर विराजमान हैं, यानी वहां बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे सूर्यदेव समर्थ होते हैं, पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं आपको उच्चतम सरकारी पद दिलाने में, चाहे वह पद सरकारी नौकरी का हो, काउंसलर का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, या किसी सरकारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर का हो, चेयरमैन का हो। तो वो सभी व्यक्ति जिनके सूर्य बलि होकर 11वें भाव में, 11वें घर में, अपने स्वयं के घर में यानी सिंह राशि में, या फिर अपने मित्रों की राशि में विराजमान होते हैं, तो ऐसे सूर्य पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं आपको बड़े से बड़े सरकारी पद पर विराजमान कराने के लिए, बशर्ते कि आपकी इच्छा हो, आपकी लगन हो, आपकी चाहत हो। क्योंकि अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो शायद संभव नहीं होगा, आपके मन में लगन ही नहीं होगी तो शायद संभव नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जिनकी कुंडली में सब कुछ ऐसा ही था जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, पॉलिटिक्स में उनकी रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे, उनका स्वयं का पारिवारिक बिजनेस था, वो उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो चाह होना भी जरूरी है, इसके लिए मन में इच्छा होना भी जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनमें सूर्य पूर्ण रूप से बली थे उनको सरकारी नौकरी या उच्चतम सरकारी पद दिलाने के लिए, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं थी, क्योंकि उनके शुरू से ही वो अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ गए या अपनी बिजनेस में चले गए। उन्होंने अपने लिए बिजनेस डेवलप किया अपनी नौकरी करने के दौरान ही, कुछ पैसा अर्जित किया, बिजनेस डेवलप किया, उस बिजनेस की ग्रोथ में लग गए, तो उनको जरूरत ही नहीं हुई उस पद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने की भी, किसी सरकारी पद के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उनके अंदर इच्छा ही नहीं। तो ऐसे लोग शायद उनकी कुंडली में यह योग होकर भी ऐसा योग निष्काम हो जाता है, या किसी ऐसे ग्रह की वजह से जो सामने से, मान लीजिए सूर्य को राहु ग्रहण लगा रहा है सामने से बैठकर, या केतु सूर्य को अंधा बना रहा है, उस समय भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य अपना सब कुछ उच्च का और अच्छा होते हुए भी सूर्य अपने संपूर्ण फल आपको नहीं दे पाते। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जय शनिदेव। क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपके किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें